नमस्कार, NIOS स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज मैं आप लोगों से गणित पाठ्यक्रम 504 के दंडा लेख बार ग्राफ पर वार्तालाप करूंगा। बार ग्राफ का हिंदी है दंडा लेख। इसमें जो है दंड के रूप में आयत के आकार के दंड होते हैं, जिसकी परिभाषा निम्नवत है। बार ग्राफ एक चार्ट है जो आंकड़ों की श्रेणियों के बीच तुलना दिखाने के लिए दंड का उपयोग करता है। दंड या तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर वर्टिकल हो सकते हैं। ऊर्ध्वाधर दंड के साथ बार ग्राफ को कभी कभी ऊर्ध्वाधर दंड ग्राफ कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा है कि एक बार ग्राफ एक आरेख है जिसमें अलग लेकिन संबंधित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व आयताकार आकृतियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें बार या दंड कहा जाता है। दंडालेख को खींचने के लिए हमारे पास कई स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप जो है हमारा एक क्षैतिज एवं एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। पहले स्टेप में जो हम काम करते हैं कि एक जो है हम क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, जिसको कि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा है कि क्षैतिज रेखा पर अंक रखिए। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे हम जो है अंक रखते हैं। तीसरा स्टेप जो है हमारा कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर मदों की संख्या निरूपित करने वाले संख्यांक एक उपयुक्त पैमाना लेकर लिखिए। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इस पे हम एक पैमाना, उपयुक्त पैमाना लेकर इस पे हम जो है संख्या को रखते हैं। तीसरा स्टेप है हमारा कि मदों को निरूपित करने के लिए समान चौड़ाई वाले दंडों का उपयोग कीजिए। हमने जो चौड़ाई, जो दंड आप लेंगे, उनकी चौड़ाई पूरे ग्राफ में, पूरे आलेख में जो है समान होगी। अगर 1 सेंटीमीटर का आपने दंड लिया है तो हर जगह जहाँ भी आप दंड यूज करेंगे, भले उनकी ऊंचाई अलग होगी लेकिन दंड की चौड़ाई जो है समान होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो हर दंड जो है आपका 1 सेंटीमीटर का होगा। फिर समान मद को निरूपित करने वाले दंडों को एक समान ढंग से छायांकित कीजिए। अगर आप जो है समान मद, एक समान मद का मतलब कि अगर एक किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है दंड, और वही दंड आपने 3, 4, 5 जितनी भी बार यूज किया है उस पर्टिकुलर ग्राफ में, उसके उसका कलर या उसका छायांकन एक ही तरीके से होना चाहिए। यानी कि अगर एक दंड को लाल से करेंगे तो सभी दंड को आपको लाल से ही रंगना पड़ेगा। अगर एक को छायांकित आप ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे को भी जो है आपको छायांकित ऐसे ही करना पड़ेगा। तो समान मद को निरूपित करने वाले दंडों को एक समान ढंग से छायांकित कीजिए। दंड आरेख में दो दंडों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। यानी इन दो दंडों के बीच की जो दूरी है या इन दो दंडों के बीच की दूरी है ये भी समान होनी चाहिए। यानी अगर ये दूरी 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो ये दूरी भी हमारी 2 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। यानी कि दंड की भी चौड़ाई समान हो, हर दंड की चौड़ाई समान हो, और परस्पर दो दंड के बीच की चौड़ाई भी समान होनी चाहिए। अक्षों को बदलकर दंडों को क्षैतिज रूप में भी खींचा जा सकता है। जैसे हम या तो इस पे अंक रखेंगे या तो वाई अक्ष पे भी आप खींच सकते हैं। तो ये दंड जो है आपका इस प्रकार से दिखेगा। अगर हम इसको जो है इस पे अंक रख दें और इस पे जो है हम अपना मद रख दें या जो भी संख्याएं हैं रख दें, संख्या को रख दें, तो हमारा ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा। लेकिन इसमें भी दो दंडों के बीच की चौड़ाई जो है समान होगी और हर दंड की जो है चौड़ाई भी समान होगी। तो अक्षों को बदलकर दंडों को क्षैतिज रूप में भी खींचा जा सकता है। फिर सभी दंडों को एक समान रंग अथवा एक समान छायांकन होना चाहिए। इसमें भी अगर हम एक जो भी रंग डालें उसमें हर मद के लिए वही रंग आएगा। अगर पीला है तो सब मद में, एक मद में जो है पीला, अगर बार को हमने दिया है दंड को, तो सब दंड जो है पीला ही होगा। या कोई छायांकन किया है तो वही छायांकन हर मद के लिए होगा। उदाहरण के तौर पे एक सप्ताह में आपके विद्यालय के अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के लिए एक दंडालेख तैयार कीजिए। तो इसमें जो हमने दिया हुआ है उदाहरण, जैसा कि आप देख सकते हैं,
इस उदाहरण में हमने दिन और अनुपस्थितियों की संख्या ये जो है दिखाया है। तो दिन में जो है हमने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और शुक्रवार, और इधर अनुपस्थितियों की संख्या अनुपस्थितियों की संख्या जो है हमारा रविवार में 25 है, सोमवार में 7 है, मंगलवार में 16 है, बुधवार में 11 है, बृहस्पतिवार में 9 है और शुक्रवार में 18 है। तो हम देख रहे हैं कि हमने दिन जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार और इनमें अनुपस्थितियों की संख्या जो है उस विद्यालय में 25, 7, 16, 11, 9 और 18 है। अब हम पहले स्टेप में जो हमने बताया कि पहले स्टेप में जो है हम एक्सिस को खींचेंगे अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमने जो है एक्सिस को अपने बना लिया। अब एक्स एक्सिस के बाद हम लेबल करेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। तो हमने जो है एक्स एक्सिस पे जो है हमारा मदों को रखा है जिसमें दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। ये हमारे जो है एक्स एक्सिस पे ये मद है, ये दिन है और वाई एक्सिस पे जो है हमारे जो अनुपस्थितियों की संख्या, इनकी लेबलिंग जरूरी है। अनुपस्थितियों की संख्या। अब हम जो है हमने कहा कि पहले स्टेप में जो है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, दूसरा दोनों को लेबल कर देंगे। जैसे हमने एक्स एक्सिस पे दिन को लेबल किया और वाई एक्सिस पे अनुपस्थितियों की संख्या को लेबल किया। फिर हमने एक्स एक्सिस पे अपने मद का नाम लिख लिया जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और वाई एक्सिस पे भी एक उचित पैमाना लेके हम अनुपस्थितियों की संख्या भी दिखा देंगे। तो जैसे ये हमने 0 से डिनोट किया, इसको हमने 10 मान लिया, इसको हमने 20 मान लिया, इसको हमने 30 मान लिया। हमने एक पैमाना लेके इसमें हर लोग अपना अलग अलग पैमाना ले सकते हैं। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पैमाना हमने लिया है वही पैमाना जो है सब लोग लें। अपना अपना पैमाना आप यूज कर सकते हैं और उस पैमाने को आप दिखा देंगे कि हमारे पैमाने का मतलब ये है, यानी कि ये दूरी जो है हमारी 10 की है, ये 20 की है और 30 की है, ये संख्या को दिखाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि बार्स अपने देखेंगे कि रविवार में 25 है, तो रविवार में 25 का मतलब इस बार को हम यहाँ पर बनाएंगे, ये हमारा 25 ये आया। सोमवार को जो है हमारा 7 है, तो सोमवार के साथ और इसी को हम जो है एक बार, सोमवार का जो हमारा है 7 है तो 7 का मतलब ये यहां पे चला गया। हमने बताया कि हर बार की चौड़ाई जो है समान होनी चाहिए, इसका ध्यान आप रखेंगे। मंगलवार को जो है 16 है तो 16 जो है आपका लगभग यहां पे आ जाएगा और इसको अगर आप ऊपर प्रदर्शित कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
जैसे ये 25 है, ये 7 है, ये 16 है, बुधवार को 11 है, तो बुधवार को 11 का मतलब यहाँ पे आ गया, ये आपका 11 हो गया। बृहस्पतिवार को 9 है, तो 9 आपका इस 11 से भी थोड़ा छोटा जाएगा। और शुक्रवार को जो है आपका 18 है, तो 18 लगभग जो है 16, थोड़ा सा और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। तो फिर हमको यहाँ पे दो सावधानी फिर रखनी है। पहला कि हर दंड की चौड़ाई एक ही हो, पहली सावधानी ये हो। दूसरी सावधानी क्या हो कि दो दंडों के बीच की ये चौड़ाई भी समान हो, ये चौड़ाई भी क्या होगी हमारी, समान होगी। प्लस हर दंड की चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, अगर हम इसको x माने तो हर चौड़ाई जो है x होगी, और इसके दो दंडों के बीच की चौड़ाई को अगर y माने तो सब जो है चौड़ाई y होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ों का हम खास करके ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हमारा जो है ये दंडा ग्राफ जो है, दंडा लेख हमारा बन गया। इसको हम जो है ऊर्ध्वाधर भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने बताया कि ये बार जो है आपके वर्टिकल है, क्षैतिज भी बार हो सकते हैं। क्षैतिज बार में जो है हमारे एक्स अक्ष पे जो है हमने दिन रखा है, वो वाई अक्ष पे दिन हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे हमारे जो है अनुपस्थितियों की संख्या हो जाएगी। तो हमारा वो ग्राफ जो है आपका, जो ये वर्टिकल था वो हमारा हॉरिजेंटल हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। जैसे हमने जो है वाई एक्सिस पे अब दिन रख दिया और एक्स एक्सिस पे हमने अनुपस्थितियों की संख्या रख दी। तो अब जो हमारे बार बनेंगे, जैसे ये हमारे सब दिन हैं कि ये हमारा रविवार, ये हमारा सोमवार, तो ये जो दंड हमारे अब इस टाइप से बन जाएंगे, जो भी इधर उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी संख्या है अनुपस्थितियों की, उस रिगार्डिंग हमारे जो है ये इस टाइप के 36 बार टाइप, और सबका कलर, सबका रंग एक ही होगा, सबका, चूंकि हमारा जो अनुपस्थितियों की संख्या को हर बार दिखा रहा है, जो हमारे दंड की ऊंचाई है, जो हमारे दंड की ऊंचाई है वो अनुपस्थितियों की संख्या को बता रही है, और हर दंड का रंग जो है हमने बताया कि एक ही होगा या छायांकन उसका एक ही होगा। तो हमने सेम चीज को जो है, एक ही चीज को एक बार जो है हमने वर्टिकल रूप में ड्रा की और एक बार जो है हमने हॉरिजेंटल रूप में ड्रा की। एक दूसरा उदाहरण भी हमारे पास है, दूसरा उदाहरण यह है हमारे पास कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में विभिन्न मदों में निम्नानुसार व्यय हुआ, इसको दंड रेखा चित्र द्वारा आपको दर्शाना है। तो इसमें जो है फिर हमने जो है टू कॉलम बनाए हैं, मद और व्यय, व्यय को हमने हजारों में रखा है। तो उसमें जो है मद में हमारे पास वेतन है, यात्रा व्यय है, किराया है और अन्य व्यय है, और हर मद में जैसे वेतन में 400 जो हजारों में है, यात्रा व्यय 100 जो हजारों में है, किराया 250 और अन्य व्यय 200 है। तो इनको आप जो है दंडा लेख से कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हमने जो है एक लिया मद और दूसरा लिया व्यय हजारों में, और ये हमने बनाया, मद में हमने लिया है वेतन, दूसरा हमने लिया है यात्रा व्यय, तीसरा जो है हमारा है किराया, और चौथा है हमारा अन्य व्यय। अन्य व्यय, व्यय हजारों में जो है 400 वेतन के लिए है, यात्रा व्यय में हमने 100, किराया में जो है हमने 250 और अन्य व्यय जो है हमारे 200 है। अब इनको हमको दंडा लेख से प्रदर्शित करना है। इसके लिए हमने बताया कि पहले आपको एक्सिस एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचना पड़ेगा, उसके बाद जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचने के बाद हम जो है एक्स अक्ष पर मद दर्शाएंगे और वाई अक्ष पे जो है हम व्यय हजारों में
वो दर्शाएंगे। ये हमको लेबलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद दूसरा काम हमारे पास है कि इन दोनों अक्षों की लेबलिंग की जाए। तीसरा स्टेप है कि आप एक्स अक्ष पे मद दिखा रहे हैं, तो इसमें आपका एक मद है वेतन, एक मद है यात्रा व्यय, यात्रा व्यय, तीसरा मद है आपका किराया, और चौथा मद है आपका अन्य व्यय आपका है। अब आप अपने अनुसार स्केलिंग, फिर वाई एक्स की हम जो है स्केलिंग करेंगे कि 200, 250, 100 और 400 है तो इनकी स्केलिंग क्या हो। तो हमने स्केलिंग में ये ले लिया 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और ये 400। तो ये हमने जो है वाई एक्स किसकी जो है एक उचित पैमाना लेके हमने एक अपने हिसाब से इसका जो है स्केलिंग कर दिया, और इस पर 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400 को हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जो है वेतन को जो है हम फिर वेतन का देखेंगे क्या है। तो वेतन जो है 400 रुपये है, तो 400 का मतलब यहाँ पे आया, और वेतन का जो दंड होगा ये इस प्रकार से हम, ये हमारा 400। फिर हमारा यात्रा व्यय 100 है, तो 100 का जो है हमारे पास ये जाएगा। यात्रा व्यय के बाद हमारा किराया है जो कि 250 है, तो किराया हम 250 यहां पे ले जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा अन्य व्यय जो है 200 है, तो 200 को हम यहां से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसमें फिर वही सावधानी जो हम पहले बता चुके हैं कि हर दंड की चौड़ाई एक ही होगी और परस्पर दो दंडों के बीच की चौड़ाई भी समान होगी। तो इस प्रकार हम दो उदाहरण से जो है दंडालेख के बारे में जान गए। दंडालेख के बाद एक बहुदंडारेख आता है। बहुदंडारेख का प्रयोग दो या दो से अधिक आंकड़ों के समुच्चय के लिए किया जाता है। जब हमारे पास दो या दो से अधिक आंकड़े का समुच्चय हो तो हम वहां पे बहुदंडारेख करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि एक विद्यार्थी का कक्षा 8 में पढ़ाए जाने वाले भिन्न भिन्न विषयों में अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में प्रदर्शन दिया गया है, ग्राफ दोनों परीक्षाओं में विषयों में बदलाव को दिखलाएगा। जैसे इसमें जो है हमारे पास विषय इसमें इधर विषय और इधर परीक्षा, तो परीक्षा में हमारे पास दो परीक्षाएं हैं, एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक। एक जो है हमारे पास अर्धवार्षिक, दो परीक्षाएं हैं। विषय में जो हमारे पास है भाषा है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। ये हमारे पास विषय है सामाजिक विज्ञान। इनमें जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक के प्राप्तांक हैं। वार्षिक और अर्धवार्षिक में भाषा में 68 और अर्धवार्षिक में 61, अंग्रेजी में जो है 72 वार्षिक में और 65 जो है अर्धवार्षिक में, गणित में 80 वार्षिक में, 90 अर्धवार्षिक में, विज्ञान में 57 वार्षिक में और 70 यानी 70 अर्धवार्षिक में, सामाजिक विज्ञान में 76 वार्षिक में और 58 जो है अर्धवार्षिक में। ये हमारे पास एक सारणी उपलब्ध है। अब इसका हमको बहुदंडालेख खींचना है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास फिर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को पहला खींचेंगे, एक्स और वाई, फिर इनकी लेबलिंग करेंगे।
लेबलिंग का मतलब है कि एक्स अक्ष पे हम क्या रख रहे हैं। तो एक्स अक्ष पे जो है हमारे विषय जैसे भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और उसके बाद हमारा जो है सामाजिक विज्ञान। हमने विषय रख दिए और वाई एक्सिस को हमको लेबल करना है। वाई एक्सिस पे हमारे जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक के प्राप्तांक को करेंगे। तो इसमें हमने ये जीरो लिया है, जीरो के बाद जो है हम इसमें जो इसकी स्केलिंग 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि मार्क्स 80 तक हैं तो 60 के बाद जो है 70 और 80, एक मार्क्स 90 भी है आपका, तो आपको लास्ट जो है 90 तक जाना पड़ेगा। तो ये आपने लेबलिंग कर दी वाई एक्सिस की जो प्राप्तांक है उसके। अब हम क्या करेंगे, बहुदंडा लेख का मतलब कि हर एक विषय में जैसे भाषा में आपको दो दंड मिलेंगे, एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक, अंग्रेजी में भी आपको दो दंड मिलेंगे, एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक। तो हम जो है एक कलर या एक छायांकन चूज कर लेते हैं कि अगर दंड ब्लैक रंग से इस टाइप से होगा तो इसको हम बोलेंगे वार्षिक, और अगर दंड जो है खाली होगा तो उसको हम बोलेंगे अर्धवार्षिक। ये आपके ऊपर है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं या कोई रंग ले सकते हैं। वार्षिक को पीला से दिखाइए, अर्धवार्षिक को नीले से दिखाइए, आप ये दो दंड आपके बनेंगे। तो जैसे अब हमको भाषा में बनाना है वार्षिक 68, तो वार्षिक 68 के लिए हम लगभग यहाँ जाएंगे। तो भाषा में जो है हमारा दंड बनेगा एक सीधी रेखा होगी, और अर्धवार्षिक के लिए 61, ये हमारा 61 हो गया। फिर जो है इन दोनों दंडों की चौड़ाई समान होगी। अब चूंकि हमने वार्षिक के लिए जो है ये टाइप का यूज किया है तो इस दंड को हम ऐसे कर देंगे, जिससे ये पता लग जाए कि ये हमारा दंड जो है वार्षिक का है और इसको हमने चूंकि खाली छोड़ा हुआ है इसलिए ये हमारा अर्धवार्षिक होती है। भाषा में हमको दो दंड मिल गए। इसी तरह अंग्रेजी में हमको मिलेंगे एक 72 और एक 65। तो अंग्रेजी में 72 की तरफ जब जाएंगे तो यहां पे ये मिलेगा। और इसमें 65, तो 65 का यहां पे आ जाएगा। फिर चूंकि वार्षिक को हमने ऐसे किया है तो वार्षिक को हमको उस दंड को ऐसे कर, फिर इन दोनों दंडों के बीच की जो है दूरी समान होनी चाहिए और हर दंड की चौड़ाई भी समान होनी चाहिए। इसी प्रकार गणित का करेंगे तो गणित के लिए 80 है, और इसके लिए 90 है, इसको खाली छोड़ देंगे। विज्ञान में जो है आपका 57 है, 57 है और 70 है। फिर हम इसको ऐसे रंग देंगे क्योंकि पता चले हमारा ये दो टाइप के दंड हैं, इसीलिए इसको बहुदंड बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान 76 है, और 58 है अर्धवार्षिक में। फिर हम इसको जो है इस प्रकार से कर दें, तो ये हमारा जो है बहुदंडारेख हो गया। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि दंडालेख में जो है दो टाइप के हम जो है ग्राफ को सीखे। एक जो है दंडालेख जिसमें एक सिंगल हमारे पास मद था, और दूसरा बहुदंडालेख जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा हमारे पास आंकड़ों का समुच्चय रहता है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह कक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।